नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संकेत वाकाणी। ग्रेस ओपन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सीखे हैं कि हमें अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें अपना इंट्रोडक्शन देना वो सीखना कितना जरूरी है। आप सभी ने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने यह भी सुना होगा कि हम हमारी फर्स्ट इंप्रेशन कभी भी चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उसके लिए अपन को कभी भी सेकंड चांस नहीं मिलता। तो आज हम हमारी फर्स्ट इंप्रेशन इफेक्टिव तरीके से, यानी कि अच्छी तरीके से किस तरीके से देना है वो हम ये वीडियो में आगे सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हमको हमारा इंट्रोडक्शन देना वो कौन सी जगह पे जरूरी है। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सोशल फंक्शंस में, ये सारी जगह पे हमको हमारा इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता रहती है। अब हम ये जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन के कितने प्रकार होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इंट्रोडक्शन के भी प्रकार होते हैं। तो हाँ, इंट्रोडक्शन के दो प्रकार होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल इंट्रोडक्शन यानी कि आप जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारी जगह पे आप जो अपना परिचय देते हो वो अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है। और आप न्यू फ्रेंड्स के साथ मिलते हो, या फिर रिलेटिव के साथ मिलते हो, या फिर न्यू नेबर्स से मिलते हो, ये सारी जगह पे अपना जो परिचय देते हो वो अपना इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन की शुरुआत हम सबसे पहले ग्रीटिंग से करेंगे। ग्रीटिंग यानी कि अभिवादन। जिस तरीके से हम हिंदी में नमस्ते और नमस्कार का उपयोग करते हैं, वैसे ही हम इंग्लिश के अंदर हाय और हेलो का उपयोग करें। उसी तरीके से फॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए हम गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ये सारी चीजों का हम उपयोग करेंगे। सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे तक हम गुड मॉर्निंग का उपयोग करेंगे। दोपहर के 12 बजे से शाम के 4 बजे तक हम गुड आफ्टरनून का यूज करेंगे, और शाम के 4 बजे से लेकर रात के 11:59 तक हम गुड इवनिंग का यूज करेंगे। गुड नाइट का हम यूज ग्रीटिंग के टाइम पे नहीं करेंगे। उसी तरीके से फॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, इस तरीके का उपयोग करेंगे, और इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए हाय, हेलो, इस तरीके का अपन उपयोग करेंगे। बहुत सी बार हमको अपना इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर जाकर देना है, उस टाइम पे हम किस तरीके से बोलेंगे? हेलो एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। इसका मतलब होता है, मुझे ये अवसर देने के लिए धन्यवाद, मैं अपना परिचय देना पसंद करूंगा। इंट्रोडक्शन में ग्रीटिंग के बाद हम नेम का उपयोग करें, यानी कि अपना खुद का नाम। हम इंट्रोडक्शन के अंदर चार प्रकार से अपना नाम है वो बता सकते हैं। आई एम संकेत वाकाणी, माय नेम इज संकेत वाकाणी, दिस इज संकेत वाकाणी, माय सेल्फ संकेत वाकाणी। पहले दो प्रकार है वो अपन फॉर्मल इंट्रोडक्शन में यूज करेंगे, दूसरे दो प्रकार है वो हम इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन में यूज करेंगे। नेम के बाद हम अपनी एज के बारे में बताएंगे, यानी कि उम्र। हम तीन प्रकार से अपनी उम्र के बारे में बता सकते हैं। आई एम 21 इयर्स ओल्ड, आई एम 21, माय एज इज 21। एज के बाद हम इंट्रोडक्शन के अंदर अपने ऑक्यूपेशन की बात करेंगे। ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन यानी कि व्यवसाय। ऑक्यूपेशन के अंदर अपन को कोई भी डिग्री या स्किल की जरूरत नहीं रहती, लेकिन प्रोफेशन के अंदर हमको डिग्री या स्किल की जरूरत रहती है। मान लो कि आप स्टूडेंट हो तो आप बता सकते हो आई एम स्टूडेंट। अगर आप टीचर हो तो ऐसे बोल सकते हो कि आई एम टीचर। अगर आप कोई प्रकार का बिजनेस कर रहे हो तो आप इस तरीके से बोल सकते हो आई एम बिजनेसमैन या तो बिजनेसवुमन। व्यवसाय के बाद हम बात करेंगे शिक्षण, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन। मान लो कि आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हो तो आप इस तरीके से बोल सकते हो आई एम इन स्टैंडर्ड 10th, या फिर मान लो आप 10वीं कक्षा आपने पूरी कर ली तो फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो आई हैव पास्ड स्टैंडर्ड 10th। आपने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हो आई एम ग्रेजुएट, या फिर आप बीकॉम के थर्ड ईयर में हो तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हो आई एम इन बीकॉम थर्ड ईयर। क्वालिफिकेशन के बाद हम बात करेंगे प्लेस की, प्लेस यानी कि स्थान। मान लो कि आपको इस तरीके से बताना है कि मैं गांधीधाम में रहता हूं, तो कुल आप तीन प्रकार से बता सकते हैं।
आई एम फ्रॉम गांधीधाम, आई लिव इन गांधीधाम, आई बिलोंग टू गांधीधाम। और मान लो कि आपको आपके एरिया के साथ अपना स्थान बताना हो तो आप इस तरीके से बता सकते हो, आई लिव एट भारत नगर इन गांधीधाम। प्लेस के बाद हम बात करेंगे फैमिली, फैमिली यानी कि परिवार। इंट्रोडक्शन में आप अपने परिवार के बारे में जितना शॉर्ट में बताओगे उतना आपके लिए अच्छा है। कुल आप दो प्रकार से अपने परिवार के बारे में बता सकते हैं। फर्स्ट, अपार्ट फ्रॉम मी देयर आर थ्री मेंबर्स इन माय फैमिली, माय फादर, माय मदर एंड माय सिस्टर। यानी कि मेरे अलावा मेरे परिवार में तीन और सदस्य हैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी बहन। दूसरे तरीके से अगर आपको बताना हो तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, देयर आर फोर मेंबर्स इन माय फैमिली इंक्लूडिंग मी, माय फादर, माय मदर एंड माय सिस्टर। इसका मतलब होता है कि मुझे मिला के मेरे परिवार के अंदर कुल चार सदस्य हैं, मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरी बहन। इंट्रोडक्शन में फैमिली के बाद हम बात करेंगे हॉबी। हॉबी यानी कि शौक। बहुत सारे लोग इंट्रोडक्शन के अंदर इस तरीके से बोलते हैं, माय हॉबीज आर, इस तरीके से नहीं बोलना। कोई भी इंसान की हॉबी सिर्फ एक ही होती है, बाकी उसकी लाइक और डिसलाइक होती है। तो हम अपने इंट्रोडक्शन के अंदर किस तरीके से बोलेंगे, माय हॉबी इज टीचिंग, आई ऑल्सो लाइक वॉचिंग मूवीज, रीडिंग एंड ट्रैवलिंग एटसेट्रा। इसके बाद इंट्रोडक्शन में सबसे महत्वपूर्ण विषय गोल, यानी कि उद्देश्य। अ मैन विदाउट गोल लाइक बर्ड विदाउट विंग्स। यानी कि मनुष्य के जीवन में अगर उद्देश्य नहीं है, यानी कि गोल नहीं है, तो वो पंखों बिना के पक्षी हो जैसा है। अब मान लीजिए कि आपको डॉक्टर बनना है, ये आपका गोल, तो कुल तीन प्रकार से आप अपने गोल के बारे में बता सकते हो। फर्स्ट, माय गोल इज टू बिकम अ डॉक्टर, या फिर इस तरीके से भी बोल सकते हो, माय एम इज टू बिकम अ डॉक्टर, या फिर इस तरीके से भी बोल सकते हो, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। अब इन सब में से हम मेन वाक्य लेकर अपना फुल इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले आपको बोलना है, इट्स ग्रेट प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, यानी कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है अपना परिचय देना। आई एम संकेत वाकाणे, आई एम कंसल्टेंट इन ग्रेस ओपर अकेडमी, आई एम ग्रेजुएट, आई एम फ्रॉम गांधीधाम, अपार्ट फ्रॉम मी देयर आर थ्री मेंबर्स इन माय फैमिली, my father, my mother and my sister. My hobby is teaching and I also like reading, traveling and watching movies. My goal is to become a marketing manager. That's all about me. Thank you very much for giving me this opportunity. Have a great day.